हाय गाइस, तो कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा करने के लिए मैं लेके आ गई हूँ धोपती ड्रॉपिंग, वो भी कोहली स्टाइल पे, क्योंकि आपने रिक्वेस्ट किया था। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको एक न्यू स्टाइल पे धोती ड्रॉपिंग दिखाऊंगी, वो भी कोहली स्टाइल पे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं धोती को दोनों साइड पे मेजरमेंट करके सेम टू सेम रख के सेंटर में एक टाइट सा नॉट बना रही हूँ। और आपको ध्यान पे रखना है, धोती आपको थोड़ा सा लॉन्ग ही लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों साइड पे डिफरेंट डिफरेंट कलर का बॉर्डर है, एक ग्रीन और एक रेड। तो आपको बॉर्डर टाइप का ही धोती लेना है। उसके बाद सेंटर में से हमें उसको खींच के लेके आना है और यहाँ पे आपको उसको मेजरमेंट करके कि आपको कहाँ तक रखना है, ज़्यादा टाइट हमें यहाँ पे नहीं करना है, लूज ही रखना है, और उसको अंदर की तरफ हमें टकिंग कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं टकिंग कर रही हूँ उसके हिसाब से ही जितना मुझे ज़रूरत है। उसके बाद हमें लेफ्ट साइड के धोती को पकड़ के उसको हमें बैक साइड पे लेके जाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं धोती को बैक साइड पे लेके जा रही हूँ। और यहाँ पे मैं धोती ड्रॉपिंग थोड़ा सा यूनिक तरीके से आपके साथ शेयर करूँगी, तो आपको यहाँ पे बस वीडियो को पूरा देखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैं घुमा के लेके आ चुकी हूँ और उसको हमें शॉर्ट ही रखना है, क्योंकि आप सब ने रिक्वेस्ट किया था कि आपको शॉर्ट कोहली स्टाइल देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं उसको शॉर्ट ही रखी हूँ। और कोहली ड्रॉपिंग जब भी हम करते हैं तो आपको क्या करना है, अपने हाथों से ही उसको खींच खींच के ही पकड़ना है, मतलब उसको टाइटली ही पकड़ना है। अगर आप लूज पकड़ोगे तो वो बाद में धीरे धीरे करके लूज हो जाता है, ये आपको ध्यान पे रखना है। तो यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद हमें बैक साइड पे उसको टकिंग कर देना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका बॉर्डर बैक साइड पे भी आ पाए। और यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद आपको खींच खींच के थोड़ा सा जहाँ पे भी लूज हो जाता है उसको ऊपर की तरफ खींच के ही उसको हमें यहाँ पे टकिंग कर देना है। तो आप देख सकते हो बैक साइड कंप्लीट हो चुका है। फिर हमें क्या करना है, उसको फिर से एक राउंड घुमाना है ऊपर से नीचे तक, ताकि नीचे और ऊपर दोनों साइड पे बॉर्डर आ पाए। तो ये आपको ध्यान पे रखना है। उसके बाद हमें हमेशा हम क्या कर रहे थे, उसको बैक साइड पे हमें टकिंग कर रहे थे, पर यहाँ पे आपको ऑपोजिट साइड पे उसको घुमा के लेके आना है, ताकि ऑपोजिट साइड पे भी एक बॉर्डर यहाँ पे सामने आ पाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैं बॉर्डर को नीचे की तरफ कर रही हूँ। तो यहाँ पे बॉर्डर आप देख सकते हो मैं उसको सामने के लेके आ चुकी हूँ और सामने की तरफ उसको टकिंग कर चुकी हूँ। फिर आपको क्या करना है, राइट साइड के पैर को भी बिल्कुल अच्छी तरीके से धोती को बैक साइड पे लेके जाना है और यहाँ पे भी आपको शॉर्ट रखना है, ताकि हमारा लेफ्ट साइड पैर जहाँ तक है राइट साइड का पैर बिल्कुल वहीं तक ही रहेगी। और यहाँ पर आपको अपने हाथों से ही उसको खींच देना है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, जो पीछे हमने बॉर्डर डाला था, मतलब ऑपोजिट साइड के हम लेके आए थे, उस बॉर्डर को हमें यहाँ पे निकालना है, ताकि हमारा जो ये वाला पार्ट हम फिर से कर पाए। तो यहाँ पे भी हमें बिल्कुल उसी तरीके से बैक साइड पे टकिंग कर देना है, उसके बाद ही हमें पीछे वाला बॉर्डर को सामने लेके आना है। तो आपको यहाँ पे फिर से उसको ओपन कर देना है। तो पीछे टकिंग करने के बाद हमें यहाँ पर सामने उसको लाना है और यहाँ पर जितना धोती यहाँ पर बच जाता है आपको लेफ्ट साइड पर उसको टकिंग कर देना है, कुछ फैब्रिक यहाँ पे छोड़ते हुए। बाकी हमारा जो फाइनल पार्ट उसको फिर से हमें सामने की तरफ लाना है और यहाँ पे उसको ऑपोजिट साइड पे टकिंग कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक दोनों पैंट पे नीचे बॉर्डर है, फिर से राइट साइड पे ऊपर एक बॉर्डर है, उसके बाद फिर से ऊपर एक बॉर्डर है, फिर हमें यहाँ पर ग्रीन कलर का बॉर्डर को भी यहाँ पर निकालना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से ये सुंदर लग रहा है। तो आपको बिल्कुल उसी तरीके से ही ड्रॉपिंग करना है जिस तरीके से मैंने आप सबको सिखाया। तो ये है इस वीडियो का फाइनल लुक। तो इससे मैंने एक शर्ट पे यहाँ पे उसको ड्रॉपिंग की है, इसका स्टाइल इस तरीके से लाने के लिए। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, न्यू वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी बता देना। तब तक के लिए रहती हूँ, बाय बाय।